भी काम को करने या ना करने के पीछे हर एक की अपनी अपनी वजह है, अपने अपने तर्क हैं, कुतर्क हो सकते हैं। जैसे कि अगर रामायण का उदाहरण ले तो शूर्पनखा के साथ लक्ष्मण ने जो किया उसे लक्ष्मण ने सही माना जबकि शूर्पनखा ने गलत। उसी प्रकार रावण ने सीता का हरण करते वक्त खुद को सही माना जबकि राम समेत बहुतों ने इसे गलत करार किया। इसी तरह विभीषण ने राम का साथ देकर खुद को सही माना जबकि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण समेत कईयों ने इसे गलत समझा और उसे गद्दार तक कह दिया। यानी कि अपने अपने नजरिए से सभी खुद को सही और दूसरे को गलत मानते हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत सुनने और पढ़ने को मिलता है जब हम सन 1858 में ग्वालियर रियासत के महाराज रहे 23 वर्षीय जयाजीराव सिंधिया की बात करते हैं।